हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू समर्थ क्लासेस। समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की कला और संस्कृति में अब तक हम क्या क्या देख चुके हैं, राजस्थान के आभूषण, राजस्थान के वाद्य यंत्र। आज जो हमें चर्चा करनी है वो है त्योहार और मेले, फेयर एंड फेस्टिवल्स ऑफ राजस्थान। यदि इस चैप्टर की बात करें तो इसे हम दो या तीन पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आज जो हम देखने वाले हैं वो इसका पार्ट वन है, ठीक है। अब यदि इस चैप्टर की बात करें कि कितना इंपॉर्टेंट है, तो चाहे वो आरएस हो, चाहे पटवारी हो, चाहे एलडीसी हो, चाहे स्टेनोग्राफर हो, चाहे कांस्टेबल का एग्जाम हो, किसी भी तरह का एग्जाम हो राजस्थान का, चाहे वो आरपीएससी कंडक्ट कराए, आरएमएसएस भी कंडक्ट कराए, या चाहे आपका पोल्यूशन बोर्ड कंडक्ट कराए, हर एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है अपना राजस्थान की एग्जाम में, ठीक है। तो इसे हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले हमें देखने ही बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि जो हम पढ़ते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये कौन सा कैलेंडर होता है, तो इसका हम बोलते हैं ईस्वी संवत कैलेंडर। और जो चंद्र विक्रम संवत कैलेंडर होता है वो होता है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ये भी टोटल कितने हैं, 12 महीने, ठीक है। और 12 महीने हम पढ़ चुके हैं जनवरी फरवरी, तो वो सब सेम है। विक्रम संवत जो कैलेंडर है वो क्या है, चंद्रमा आधारित होता है। कौन सा आधारित, चंद्रमा पे बेस्ड होता है, जो कि ईस्वी संवत से कितना साल आगे होता है, 57 साल आगे होता है, 57 वर्ष आगे होता है। मान लीजिए यदि ईस्वी संवत की बात करें तो हम कौन से सन में हैं अभी, 2021 में। अब हम देख चुके हैं कि सर विक्रम संवत हमारा कितने साल आगे होता है, 57 ईयर आगे होता है। यदि हम एड करेंगे तो कितना आएगा, 2078। इसका मतलब यदि अभी एट प्रेजेंट की बात करें तो उसमें जो विक्रम संवत कैलेंडर चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, 2078 वाला। बोलो क्लियर है सबको। चलिए अब हम जानते हैं कि जो कैलेंडर होता है उसमें महीने होते हैं, महीने के अंदर टोटल 30 दिन होते हैं, तो जो शुरू के 15 दिन होते हैं उनको भी पखवाड़ा बोलते हैं, लास्ट के 15 दिन को भी पखवाड़ा बोलते हैं। इसका मतलब एक महीने में दो पखवाड़े होते हैं। जो पहला पखवाड़ा है शुरू के 1 से 15 दिन, उनको हम विक्रम संवत कैलेंडर में बोल देते हैं कृष्ण पक्ष। क्या बोल देते हैं, कृष्ण पक्ष। और जो लास्ट के 15 दिन होते हैं उनको हम बोल देते हैं शुक्ल पक्ष। क्या बोल देते हैं, शुक्ल पक्ष। अब ध्यान से समझिएगा, शुरू के 15 दिन को हमने बोला कृष्ण पक्ष, लास्ट के 15 दिन को बोला हमने शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष का जो लास्ट वाला दिन है, मतलब 15वां दिन है, उसको हम बोल देते हैं अमावस्या। क्या बोल देते हैं, अमावस्या। और जो शुक्ल पक्ष का लास्ट दिन है उसको हम बोल देते हैं पूर्णिमा। बोलो क्लियर है। अभी तक हमने देखे एक महीने के अंदर दो पखवाड़े होंगे, पहले पखवाड़े को कृष्ण पक्ष, लास्ट पखवाड़े को या दूसरे पखवाड़े को शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष का लास्ट दिन अमावस्या, शुक्ल पक्ष का लास्ट दिन पूर्णिमा हो जाएगा, ठीक है। विक्रम संवत कैलेंडर चंद्रमा आधारित होता है, जो कि ईस्वी संवत से कितना साल आगे होता है, 57 साल आगे होता है। अब ध्यान समझो, नववर्ष जो होता है वो चैत्र शुक्ल एकम से स्टार्ट होता है, या नया साल जो होता है वो चैत्र शुक्ल एकम से स्टार्ट होता है हिंदुओं का। क्लियर है। चलिए हम देख चुके हैं कि जो नववर्ष है वो चैत्र शुक्ल एकम से स्टार्ट होता है, तो ध्यान देना चैत्र महीना, और क्या बोल रहे हैं, चैत्र महीने के अंतिम 15 दिन वर्ष के प्रारंभ में गिने जाते हैं। ध्यान दो, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष जो है वो अंतिम 15 दिन ही तो है, ठीक है। तो देखो चैत्र महीने के अंतिम 15 दिन वर्ष के प्रारंभ में गिने जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। और पहले 15 दिन कहां पर गिने जाएंगे, वर्ष के अंत में। बोलो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि नववर्ष चैत्र शुक्ल एकम से स्टार्ट होता है। चैत्र शुक्ल, शुक्ल आ रहा है मतलब अंतिम 15 दिन की बात कर रहा है, तो देखो अंतिम 15 दिन वर्ष के प्रारंभ में गिने जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। और पहले 15 दिन जो होते हैं वो वर्ष के अंत में गिने जाते हैं, जब साल खत्म पूरा होता है हमारा, ठीक है। चलिए बात सबको समझ में आ गई। चलिए अब जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा, जो नेक्स्ट लाइन आ रही है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। कहीं भी आपके सब्जेक्टिव पेपर में या ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, ले डूबी गणगौर क्या, कि जो भी हिंदू त्योहार होते हैं वो गणगौर पे समाप्त हो जाते हैं, लेकिन स्टार्ट कहां से होते हैं, छोटी तीज से। तो तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर का मतलब क्या है, कि हिंदू त्योहार छोटी तीज से तो शुरू होते हैं और गणगौर पर क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो छोटी तीज से हिंदू त्योहारों की शुरुआत होती है और गणगौर पे हिंदू त्योहारों की समाप्ति हो जाती है। तीज माता जो है वो किसका प्रतीक है, पार्वती माता जी का, ठीक है। तो तीज माता पार्वती का प्रतीक है। अभी के लिए आप ये छोड़ दीजिए कि छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, ये कैसे याद होंगे वो आप मेरे पे छोड़ दीजिए। बस अभी हमें इस लाइन का मतलब ये समझना है
कि जो हिंदू त्योहार है वो छोटी तीज से जो शुरू होते हैं और गणगौर पर समाप्त हो जाते हैं। आई होप ये फर्स्ट स्लाइड में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सिंपल स्लाइड थी। अब चलिए अब हम बात करते हैं एक एक महीनों की बात, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो लेने वाले हैं वो है श्रावण। कौन लेने वाले हैं? श्रावण, ठीक है। क्योंकि हमने क्या देखा कि हिंदू त्योहार जो स्टार्ट होते हैं वो छोटी तीज से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो हम जो लेने वाले हैं पहला महीना वो है श्रावण, ठीक है। तो हम जो भी महीना पढ़ेंगे उसे वैसे ही पढ़ेंगे, एक तरफ कृष्ण पक्ष एक तरफ शुक्ल पक्ष, कि जिस महीने के कृष्ण पक्ष में क्या क्या आता है, शुक्ल पक्ष में क्या क्या आता है, ठीक है। अभी हमने देख लिया कि जो छोटी तीज था, छोटी तीज से क्या होती है, हिंदुओं के त्योहारों की शुरुआत होती है, ठीक है। लेकिन अब हमें श्रावण महीने के देखने हैं, तो अब कृष्ण पक्ष से हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन आप ये बात ध्यान रखिएगा कि छोटी तीज से ही हिंदुओं के त्योहारों की स्टार्टिंग होती है। बोलो क्लियर है? चलिए श्रावण की बात करें तो श्रावण की पंचमी को नाग पंचमी आती है भाई। श्रावण की जो कृष्ण पक्ष है, एक बार हम कृष्ण पक्ष की तरफ देखेंगे, उसके बाद शुक्ल पक्ष की तरफ देखेंगे। श्रावण का जो कृष्ण पक्ष है उसमें नाग पंचमी आती है। अब देखो आपको कैसे याद रखना है, ध्यान से समझना। श्रावण की कृष्ण पक्ष को आती है नाग पंचमी। देखो पंचमी आ गया इसमें, तो पक्की बात है कि कृष्ण पक्ष की पंचमी को ही नाग पंचमी मनेगी। तो आपको ये तो याद रखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं किसी के भी कि पंचमी, नवमी, अमावस्या, पूर्णिमा और तृतीया, ये तो याद करने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। आप तो बस ये याद रख लो कि कौन कौन से त्योहार कब आते हैं। तो श्रावण पक्ष के कृष्ण पक्ष में या श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष में एक तो हमारी आती है नाग पंचमी, ठीक है। उसके बाद आती है निडरी नवमी। अब पक्की बात है कि निडरी नवमी तो नवमी को ही मनाई जाएगी। तो निडरी नवमी आती है, इस दिन क्या होती है, नेवले की पूजा होती है। उसके बाद आती है हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या कब आएगी? श्रावण के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को। बोलो क्लियर है? अब हरियाली अमावस्या के दिन टोटल 3 मेले लगते हैं राजस्थान में जो फेमस है। कितने मेले? 3 मेले। इंपॉर्टेंट भैया ये वाली चीज, ठीक है। 3 मेले कौन कौन से हैं? एक तो लगता है कल्पवृक्ष वृक्ष मेला, जो कि लगता है मांगलियावास। मांगलियावास कहाँ पर है? अजमेर में, ठीक है। एक लगता है फतेह सागर मेला, कहाँ पर? उदयपुर में। एक लगता है बुड्ढा जोहड़ मेला, श्री गंगानगर में, ठीक है। ये जो बुड्ढा जोहड़ मेला है ये क्या है? सिखों का पवित्र स्थल है या गुरुद्वारा है, ठीक है। तो सिख कहाँ पर होते हैं? जनरली सिख कम्युनिटी सबसे ज्यादा कहाँ पर है? पंजाब में। हम देख चुके हैं जब हमने राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा पढ़ी थी, तो हमने देखा था कि राजस्थान के 2 जिले पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। अब ये हमें पता चल गया कि बुड्ढा जोहड़ मेला सिखों का पवित्र गुरुद्वारा है, तो पक्की बात है कि कहाँ पर लगेगा? श्री गंगानगर में, क्योंकि सबसे ज्यादा सिख वहीं रहते हैं, ठीक है, क्योंकि पंजाब के साथ बाउंड्री बनाता है, ठीक है। तो श्रावण की कृष्ण पक्ष में सॉरी टोटल 3 हमने हमारी चीजें देखी। नाग पंचमी, पंचमी को मनाई जाएगी। निडरी नवमी, या इस दिन क्या होता है, नेवले की पूजा होती है। उसके बाद आता है हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या को टोटल राजस्थान में 3 मेले लगते हैं, कल्प वृक्ष मेला मांगलियावास अजमेर, फतेह सागर मेला उदयपुर, बुड्ढा जोहड़ मेला श्री गंगानगर। बोलो याद रह जाएगा। उसके बाद बात करें शुक्ल पक्ष की, तो शुक्ल पक्ष को आता है छोटी तीज। छोटी तीज तृतीया को मनाई जाएगी, बिल्कुल सही बात है। तो जयपुर की छोटी तीज प्रसिद्ध है, याद रखना, पूछा जाएगा छोटी तीज कहाँ की फेमस है, तो जयपुर की फेमस है, ठीक है। उसके बाद पति और पत्नी के प्रेम का त्योहार होता है छोटी तीज। इस दिन क्या होता है, नव विवाहिताएं लहरिया ओढ़नी ओढ़ती है। तीज प्रकृति प्रेम का भी त्योहार होता है, ठीक है। तो छोटी तीज के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन एक बार आप देख लीजिए। तो छोटी तीज, जयपुर की छोटी तीज प्रसिद्ध है। पति और पत्नी के प्रेम का त्योहार है। नव विवाहिताएं क्या करती है, लहरिया ओढ़नी ओढ़ती है। तीज प्रकृति प्रेम का भी त्योहार है। और इस दिन क्या होता है, सिंजारा भेजा जाता है। सिंजारा क्या होता है, तो देखो नव विवाहिता जो विवाहित होने वाली है या जो हो चुकी है, उसके लिए ससुराल पक्ष की तरफ से आने वाला उपहार होता है, ठीक है। हाँ नहीं है भैया, तरफ, ठीक है। तो ससुराल पक्ष की तरफ से आने वाला उपहार छोटी तीज पे, उसे बोलते हैं हम सिंजारा। क्या बोलते हैं? सिंजारा। उसके बाद बात करें पूर्णिमा, तो श्रावण के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को क्या मनाया जाता है, रक्षाबंधन मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन क्या होता है, नारियल की पूजा की जाती है, इसलिए इसे नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। और इस दिन श्रवण कुमार की भी पूजा की जाती है। तो ये आपको पॉइंट याद रखने हैं भाई पूरे, ठीक है। तो देखो फटाफट से उंगलियों पर याद करते हैं। श्रावण पहले कृष्ण पक्ष की बात करेंगे, तो देखो क्या क्या होता है, नाग पंचमी, निडरी नवमी, हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या को 3 मेले लगेंगे, कल्प वृक्ष मेला मांगलियावास अजमेर, बुड्ढा जोहड़ मेला श्रीगंगानगर, फतेह सागर मेला उदयपुर।
फिर शुक्ल पक्ष की तरफ आ जाए, शुक्ल पक्ष की तरफ आ जाएंगे तो दो चीज आएंगी, एक तो छोटी तीज और एक आएगी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन को नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं, इस दिन श्रवण कुमार की पूजा करते हैं, और छोटी तीज के बारे में सभी आपको चीजें पता है। बोलो क्लियर है, छोटी तीज कहाँ की फेमस है? जयपुर की। हम कम चीजें पढ़ेंगे एक दिन में, लेकिन हमें ऐसे पढ़ना है कि हमें फटाफट जैसे ही आप मेरा लेक्चर देखें वहीं के वहीं आपको याद हो जाए, ठीक है? चलिए, विक्रम संवत कैलेंडर ईस्वी संवत से कितना साल आगे होता है? 57 साल, याद रहेगा। चलिए उसके बाद बात करें भाद्रपद की। अब जो हमें चर्चा करनी है वो है हमारा भाद्रपद, ठीक है? देखो, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद, सबसे पहले हमने जो चर्चा की वो श्रावण से स्टार्ट की है, उसके बाद हम कंटिन्यू एक एक मंथ को देखते चलेंगे, उसके बाद आता है भाद्रपद। वही सेम कृष्ण पक्ष एक तरफ देखेंगे, शुक्ल पक्ष एक तरफ देखेंगे। अब देखना कृष्ण पक्ष में भाद्रपद में क्या क्या होता है, तीन चीजें बनती है, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज। ये जो चारों नाम है वो एक ही नाम है, एक ही तीज है। अभी हम इससे पहले देख के आए थे श्रावण के शुक्ल तृतीया में छोटी तीज, हाँ कि ना? अब हम देख रहे हैं भाद्रपद, भाद्रपद में कृष्ण पक्ष में आती है बड़ी तीज, बड़ी तीज का नाम है बूढ़ी तीज या कजली तीज या सातुड़ी तीज। ये कहाँ की फेमस है? तो ये फेमस है बूंदी की। छोटी तीज कहाँ की फेमस थी? जयपुर की, ठीक है? उसके बाद आता है हल छठ या ऊब छठ, या इसको बोलते हैं बलराम जयंती, ठीक है? हल छठ या ऊब छठ या बोलते हैं बलराम जयंती। अब ये कब आएगी? तो ऑब्वियसली बात है षष्ठी में आएगी, तो आपको ये जो लाल लाल है वो तो किसी के भी याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अष्टमी में आती कृष्ण जन्माष्टमी, जन्माष्टमी नाम से पता चल रहा है कि अष्टमी को आएगी। तो देखो भाद्रपद के कृष्ण में हमने तीन चीजें देखी, एक बड़ी तीज, ठीक है, उसके बाद हमने देखा हल छठ ऊब छठ या बलराम जयंती, उसके बाद हमने देखा कृष्ण जन्माष्टमी, ठीक है? बड़ी तीज के टोटल चार नाम है, बड़ी तीज या बूढ़ी तीज या कजली तीज या सातुड़ी तीज। कहाँ की फेमस है? बूंदी की फेमस है, ठीक है? उसके बाद शुक्ल पक्ष की बात करें तो शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया है उस दिन आता है बाबेरी बीज, बाबेरी बीज को बोलते हैं रामदेव जयंती। क्या बोलते हैं? रामदेव जयंती। तो रामदेव जयंती कहाँ की फेमस है? सबसे पहले तो यह रामदेव जी का मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है रुणीचा जैसलमेर। कहाँ पर लगता है? रुणीचा जैसलमेर। ये जो मेला लगता है इसको बोलते हैं मारवाड़ का कुंभ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? इस मेले को क्या बोला जाता है? मारवाड़ का कुंभ। किस मेले को? रामदेव जी के मेले को क्या बोला जाता है? मारवाड़ का कुंभ। तो ये जो मेला है ये कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक चलता है, लेकिन स्टार्ट कब हो जाता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, ठीक है? कहां पर भरता है? रुणीचा जैसलमेर में। बोलो याद रह जाएगा। तो शुक्ल पक्ष की द्वितीया को हमने पढ़ा बाबरी बीज या रामदेव जयंती। उसके बाद आती चतुर्थी, चतुर्थी को होता है गणेश चतुर्थी या शिव चतुर्थी या चत्रा चतुर्थी या कलंक चतुर्थी, चारों नाम एक ही है, ठीक है? अब गणेश जी कहाँ के फेमस है? रणथंबोर के फेमस है। तो रणथंबोर में त्रिनेत्र गणेश जी है, तीन नेत्र वाले गणेश जी हैं, रणथंबोर में त्रिनेत्र गणेश जी। रणथंबोर कहाँ पर पड़ता है? सवाई माधोपुर में। तो रणथंबोर में त्रिनेत्र गणेश जी का मेला लगता है इस दिन, और एक मेला लगता है चुंगी तीर्थ मेला, ये कहां पर लगता है? जैसलमेर में। ये दोनों मेले क्या है? प्रसिद्ध। कब लगते हैं? गणेश चतुर्थी के दिन। गणेश चतुर्थी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, याद रह जाएगा, ठीक है? उसके बाद पंचमी में बात करें तो पंचमी होती है ऋषि पंचमी या सप्त ऋषि की पूजा। जो ऋषि पंचमी होती है, ऋषि पंचमी की जो जयंती होती है वो होती है भाद्र शुक्ल पंचमी को। इस दिन क्या होता है? माहेश्वरी समाज जो होता है अपना रक्षाबंधन मनाता है। माहेश्वरी समाज क्या करता है? अपना रक्षाबंधन मनाता है। इस दिन टोटल दो मेले लगते हैं, भोजन थाली मेला जो लगता है कामा, कामा कहाँ पर पड़ता है? भरतपुर में। एक पड़ता है हरि राम जी का मेला, हरि राम जी का मेला कहाँ भरता है? झोरड़ा नागौर में, ठीक है? अभी तक हम टोटल दो जगह मेलों की बात करते हैं, ध्यान हो तो आपको याद करो आप। एक हमने श्रावण में भी देखा था, हमने देखा था श्रावण कृष्ण पक्ष की अमावस्या को, ठीक है? तीन मेले। अभी हम देख रहे हैं भाद्रपद की शुक्ल पंचमी को दो मेले, हरि राम जी का मेला और भोजन थाली मेला। भोजन थाली मेला लगा कामा भरतपुर में, हरि राम जी का मेला लगता है झूरड़ा नागौर में। बोलो याद रह जाएगा। तो भाद्रपद में अभी अभी तक हमने क्या देखा है? कृष्ण पक्ष में टोटल तीन चीजें देखी है, बड़ी तीज आएगी, उसके बाद हल छठ ऊब छठ या बलराम जयंती आएगी, उसके बाद आएगी कृष्ण जन्माष्टमी। यदि शुक्ल पक्ष की बात करें तो एक आएगी रामदेव जयंती या बाबेरी बीज, उसके बाद आएगी गणेश चतुर्थी या शिव चतुर्थी, उसके बाद आएगी ऋषि पंचमी, ठीक है, या सप्तऋषि की पूजा होती है उस दिन। उसके बाद बात करें तो ये वाला जो महीना है ये भी क्या है? हमारा भाद्रपदी भाई, ठीक है? ये भी हमारा भाद्रपद है, वहां थोड़ा अधूरा रह गया था तो यहाँ पे और भर दिया। देखो कृष्ण पक्ष में हम क्या देख चुके हैं?
तृतीया देख चुके हैं, षष्ठी देख चुके हैं, अष्टमी देख चुके हैं, अब जो बात करेंगे नवमी। तो नवमी को जो आती है वो आती है गोगा नवमी। क्या आती है नवमी को? गोगा नवमी। गोगा नवमी के जो मेले लगते हैं वो कहां पर लगते हैं? ददरे व चूरू और गोगा मेड़ी हनुमानगढ़। ददरे व चूरू और गोगा मेड़ी हनुमानगढ़। इस दिन किसान क्या करता है? अपने हल को नौ गांठ वाली राखी बांधता है। क्या करता है? नौ गांठ वाली राखी बांध देता है। उसके बाद बात करते हैं द्वादशी की। द्वादशी को क्या मनाया जाता है? बछवारस मनाई जाती है। बछवारस क्या होती है? बछड़े की पूजा की जाती है और चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता। तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी को क्या होता है? बछवारस मनाई जाती है। इस दिन बछड़े की पूजा करते हैं और चाकू का प्रयोग नहीं करते। फिर अमावस्या की यदि बात करें तो अमावस्या होती है, ये होती है सती अमावस्या। और इस दिन रानी सती का मेला जो लगता है वो कहां पर लगता है? झुंझुनू में। ठीक है, कहां पर लगता है? झुंझुनू में। उसके बाद बात करें भाद्रपद शुक्ल पक्ष की, तो भाद्र शुक्ल पक्ष हम देखिए ऑलरेडी देख के आ चुके हैं। द्वितीया हमने देखी, चतुर्थी हमने देखी, पंचमी हमने देखी, अब जो हमें देखनी है वो देखनी है अष्टमी। तो अष्टमी को मनाई जाती है राधा जन्माष्टमी। क्या मनाई जाती है? राधा जन्माष्टमी। जो सलेमाबाद है, सलेमाबाद में क्या है? निम्बार्क संप्रदाय का मेला लगता है। ये क्या है? मेला। ठीक है, निम्बार्क संप्रदाय का क्या लगता है? मेला लगता है। कहां पर लगता है? सलेमाबाद अजमेर में। ठीक है भैया, सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय का मेला लगता है। इस संप्रदाय के अनुसार राधा भगवान श्री कृष्ण की क्या थी? पत्नी थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बना यहां से कि किस संप्रदाय के अनुसार या कौन सा संप्रदाय राधा जी को भगवान कृष्ण की पत्नी मानता है, वो कौन है? निम्बार्क संप्रदाय। इनका जो सेंटर है निम्बार्क संप्रदाय का वो कहां पर है? सलेमाबाद अजमेर में। तो वही इनका क्या लगता है? मेला लगता है राधा जन्माष्टमी पे। राधा जन्माष्टमी कब मनाई जाती है? भाद्र शुक्ल अष्टमी को। उसके बाद बात करें दशमी को, दशमी को मनाई जाती है तेजादशमी। तेजादशमी को दो मेले लगते हैं दोबारा। कौन कौन से मेले हैं? एक लगता है पर्वतसर नागौर में, एक लगता है खेजड़ीली वृक्ष मेला जो कि कहां पर? जोधपुर में। याद रह जाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दशमी को तेजादशमी मनाई जाती है। दो मेले इंपॉर्टेंट है, पर्वतसर नागौर, खेजड़ीली वृक्ष मेला, जोधपुर। फिर बात आती है एकादशी। एकादशी को मनाई जाती है जल झूलनी या देव झूलनी एकादशी। इस दिन क्या करते हैं? भगवान श्री कृष्ण जिनको ठाकुर जी बोलते हैं, इनकी मूर्तियों को क्या करते हैं? स्नान कराया जाता है। जल झूलनी और देव झूलनी एकादशी कब मनाई जाती है? भाद्र शुक्ल एकादशी को। उसके बाद बात करें चतुर्दशी की। चतुर्दशी को आती है अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी को क्या करेंगे? गणेश विसर्जन करेंगे। ध्यान दो, यदि हम इधर देखें तो हमने देखा था भाद्र शुक्ल चतुर्थी को क्या मनी थी? गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी। ठीक है, ये मनी थी। तो चतुर्थी को ये हुआ और यहां पर क्या हो गया? चतुर्दशी। मतलब 10 दिन के बाद, जल 10 दिन के बाद क्या करते हैं? गणेश जी का विसर्जन करते हैं, अनंत चतुर्दशी मनाते हैं। उसके बाद जो पूर्णिमा होती है वहां से क्या हो जाते हैं? श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, तो भाद्र शुक्ल पूर्णिमा से श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। फटाफट से भाद्रपद वाले एक बार चुटकियों में देख लेते हैं। देखिए भाद्रपद की कृष्ण पक्ष एक बार फटाफट से देखें तो कृष्ण पक्ष में तृतीया, तृतीया को क्या मनाई जाती है? बड़ी तीज। षष्ठी को क्या मनाई जाती है? हल छठ या ऊब छठ। अष्टमी को क्या मनाई जाती है? कृष्ण जन्माष्टमी। उसके बाद नवमी को मनाई जाती है गोगा नवमी। द्वादशी को मनाई जाती है बछवारस। अमावस्या को मनाई जाती है सती अमावस्या। क्लियर है? उसके बाद चलिए शुक्ल पक्ष की बात करें तो शुक्ल पक्ष को आती है बाबेरी बीज रामदेव जयंती, द्वितीया को मनाई जाती है। चतुर्थी पर आ जाती है गणेश चतुर्थी, और क्या क्या नाम है? शिव चतुर्थी, चत्रा चतुर्थी, कलंक चतुर्थी। फिर पंचमी को आती है ऋषि पंचमी, सप्तऋषि की पूजा होती है। माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन इसी दिन मनाया जाता है। दो मेले हमने इंपॉर्टेंट देखे, भोजन थाली मेला कहां पर भरता है? कामाभरतपुर। एक देखा हमने हरी राम जी का मेला जो भरता है झोरड़ा नागौर में। उसके बाद बात करें अष्टमी, राधा जन्माष्टमी मनाई जाती है। सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय का मेला लगता है। ये संप्रदाय वाले राधा जी को भगवान श्री कृष्ण की पत्नी मानते हैं। फिर दशमी को तेजादशमी के दो मेले, पर्वतसर नागौर, खेजड़ी वृक्ष मेला, जोधपुर। फिर एकादशी को जल झूलनी और देव झूलनी एकादशी। इस दिन क्या करते हैं? कृष्ण भगवान की मूर्तियों को स्नान कराते हैं। चतुर्दशी को क्या करते हैं? भगवान गणेश जी का जो विसर्जन कर देते हैं, अनंत चतुर्दशी मना लेते हैं। और पूर्णिमा को क्या हो जाते हैं? श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। देखिए अब ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं वो आपको कैसे याद रहेगी, एक बार आप ये देख लीजिए। जिस तरह से आपके यहाँ पीडीएफ आपको मैंने अवेलेबल कराई है, या तो इनके आप प्रिंट आउट निकाल लो, ये आपको पीडीएफ कहाँ पे मिल जाएगी? हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप की डिस्क्रिप्शन, टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल है। ठीक है,
बाकी आपको टेलीग्राम ग्रुप ओपन करना है, समर्थ क्लासेस ऑनलाइन सर्च करना है, वहां पे हमारा ग्रुप आ जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको पूरी पीडीएफ वहां पे अवेलेबल हो जाएगी। तो एक तो ये तरीका है कि आप पीडीएफ के प्रिंट आउट निकलवा लें, या एक और तरीका कि आप नोट्स साथ में बनाते चलें, तो आप जब नोट्स पढ़ते पढ़ते चलेंगे, इनका बार बार रिविजन करेंगे लगातार 5-6 दिन, 5-6 बार जब रिविजन हो जाएगा आपका, तो आपका जो नोट्स है ना, तो नोट्स के आपके फोटो को भी दिमाग में बस जाएगी कि हाँ ये चीज मैंने इस जगह पढ़ी, ये चीज मैंने ऊपर लिखी हुई है, ये चीज नीचे लिखी हुई है, तो आपका विजुअलाइजेशन होता रहेगा और आपके एग्जाम में क्वेश्चन सही हो जाएंगे। क्योंकि आपको तो एग्जैक्ट थोड़ी ना बताया, एग्जैक्ट किसी को याद नहीं रहता, लेकिन हम 4 ऑप्शन आते हैं तो 3 कट करके एक सही कर सकते हैं। क्लियर है सबको बात? ठीक है, तो हम भाद्रपद देख चुके हैं, श्रावण और भाद्रपद वाले हमने 2 महीने अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं, एक और महीना हम देखते हैं, उसके बाद आज की क्लास को इतना ही करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है अश्विन महीना। ठीक है, कौन सा आता है? अश्विन। अश्विन हमने देखा अभी कि भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा को क्या होगा, श्राद्ध प्रारंभ हुए, तो ये जो कृष्ण पक्ष है इसमें श्राद्ध क्या होते हैं, कंटिन्यू रखते हैं, यहाँ पे श्राद्ध चलते रहते हैं। श्राद्ध क्या होते हैं, जो हमारे बड़े होते हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो उस दिन हम क्या करते हैं, श्राद्ध में उनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं, उनको याद करते हैं। ठीक है, लोगों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को, यही करते हैं श्राद्धों में। ठीक है, तो अश्विन का जो कृष्ण पक्ष है वो श्राद्ध में कंप्लीट हो जाता है पूरा, मतलब अश्विन के कृष्ण पक्ष में भी श्राद्ध चलते रहते हैं। ठीक है, चलिए, तो जो ये अश्विन का जो कृष्ण पक्ष है इसमें और क्या क्या चीज होती है, तो इसमें सांझी की पूजा की जाती है। क्या की जाती है? सांझी की पूजा। सांझी क्या होती है? गोबर और मिट्टी की बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है? गोबर और मिट्टी की। नाथ द्वारा कहां पर पड़ता है? राजसमंद। यहां पर क्या है? केले की सांझी बनाई जाती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नाथ द्वारा राजसमंद में केले की सांझी बनाई जाती है। फिर उसके बाद सांझी का मंदिर किसे कहते हैं? तो सांझी का मंदिर कहते हैं मत्स्येंद्र नाथ मंदिर, जो कि कहां पर पड़ता है? उदयपुर में। ठीक है, और श्राद्ध के अंतिम दिन कौन सा व्रत किया जाता है? थम्बुड़ा व्रत किया जाता है। श्राद्ध के अंतिम दिन कौन सा व्रत किया जाता है? थम्बुड़ा व्रत किया जाता है। तो 3 चीज हमने देखी कि अश्विन का जो कृष्ण पक्ष है वो श्राद्ध मनाने में हमारा कंप्लीट हो जाता है, लेकिन हम इसमें क्या क्या करते हैं? सांझी की पूजा करते हैं। सांझी गोबर और मिट्टी के बनाते हैं। नाथ द्वारा राजसमंद में केले की सांझी बनाई जाती है। मत्स्येंद्र नाथ मंदिर जो कि उदयपुर में पड़ता है उसे सांझी का मंदिर भी हम कहते हैं। उसके बाद अश्विन के शुक्ल पक्ष की यदि बात करें तो शुक्ल पक्ष के एकम को क्या होते हैं? शरद नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं। शरद नवरात्र प्रारंभ कब होते हैं? अश्विन शुक्ल एकम को। और अष्टमी को क्या होती है? दुर्गा अष्टमी या होमाष्टमी। होमाष्टमी इसलिए बोल देते हैं क्योंकि इस दिन यज्ञ या हवन किए जाते हैं। ठीक है, तो दुर्गा अष्टमी को होमाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। कब मनाई जाती है? अश्विन शुक्ल अष्टमी को। बोलो क्लियर है सबको? चलिए, ये भी हम जो देख रहे हैं ये भी क्या है हमारा? अश्विन। ठीक है, अभी तक हम क्या क्या देख चुके हैं अश्विन के? अश्विन के शुक्ल पक्ष में हमने देखा शरद नवरात्र प्रारंभ हो गए अश्विन शुक्ल एकम को, उसके बाद हमने देखा अष्टमी को दुर्गा अष्टमी या होमाष्टमी। अब जो हमें देखना है वो है दशमी। दशमी को क्या मनाया जाता है? विजयादशमी या दशहरा। विजयादशमी या दशहरे का क्या होता है? इस दिन आरंभ होता है, ऐसे दिन मनाया जाता है। ठीक है, फिर ये कहाँ कहाँ का फेमस है? तो ये है फेमस है कोटा राजस्थान का और मैसूर जो कि पड़ता है कर्नाटक में। तो 2 जगह का फेमस है दशहरा या विजयादशमी, कोटा राजस्थान और मैसूर कर्नाटक। इस दिन क्या करते हैं? हथियारों की पूजा करते हैं, खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। और दशहरे पर किस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं? तो लील टांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। किस दिन? दशहरे के दिन। ठीक है, प्रसिद्ध राजस्थानी कवि हुए हमारे कन्हैयालाल सेठिया जी, उनकी कविता का नाम भी क्या है? एक लील टांस। तो ये अदर इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लील टांस के बारे में आया कि दशहरे पर लील टांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं, तो लील टांस से जुड़ी हुई एक और मैंने आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी कि प्रसिद्ध एक कवि है राजस्थान के, कौन? कन्हैयालाल सेठिया जी। उन्होंने एक अपनी कविता का नाम ही क्या रख रखा है? लील टांस। बोलो याद रह जाएगा। फिर बात करते हैं पूर्णिमा। तो पूर्णिमा को क्या मनाई जाती है? शरद पूर्णिमा। इस दिन क्या होता है? चंद्रमा अपनी 64 कलाओं में खिला होता है, इसलिए इस चांदनी रात में हम क्या करते हैं? खीर बनाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हम खीर बना के ऊपर रख देते हैं, फिर उसको 12 बजे के बाद खाते हैं। ऐसा पहले करते थे, अब भी करते हैं कई लोग गाँव में। तो जो अश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है इस दिन 2 मेले लगते हैं। पहला मेला है मारवाड़ महोत्सव या मांड महोत्सव। कौन सा? मारवाड़ महोत्सव या मांड महोत्सव। ये जो भरता है वो कहां पर भरता है? जोधपुर में। दूसरा आता है मीरा महोत्सव, ये कहां भरता है? चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो आज हमने टोटल 3 मंथ कवर किए हैं। कौन कौन से? श्रावण, भाद्रपद और अश्विन। आई होप आपको पूरे सब लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा।
आगे हम बात करेंगे बाकी महीनों की। यदि आपको हमारे लेक्चर पसंद आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप आज ही ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको वहां पे सभी पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी। आई होप आप सभी लोग घर पे स्वस्थ होंगे। अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।